नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम उलिया में दिनांक 14 फरवरी 2022 आज समय 10 बजे से 2 बजे तक ग्राम उलिया में सिविक एक्शन प्रोग्राम व मेडिकल कैंप का आयोजन 132 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां रिकॉर्ड तोड़ ग्रामीण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ GBS भट्टी कार्यवाहक कमांडेंट द्वारा फीता काटकर आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वितरित की जाने वाली सामग्री में मुख्यतः सिंटेक्स, पतीला, कंबल, चटाई, साड़ी, खेलकूद का सामान जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बैट, टेनिस बॉल का वितरित किया गया। इसके साथ ही आसपास के गांव के बीमार व्यक्तियों के लिए मेडिकल कैंप से फ्री में इलाज तथा दवाइयों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सहित लगभग 1068 लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही दोपहर का भोजन भी किया। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश किया गया। इस दौरान कार्यवाहक कमांडेंट GBS भट्टी ने सभी युवक युवतियों को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने के बारे में और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजना के संबंध में लोगों को प्रोत्साहित किया एवं इस संबंध में जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उसके लिए आश्वस्त किया। आज के इस कार्यक्रम के दौरान GBS भाटी कार्यवाहक कमांडेंट डॉक्टर आदेवर दिनेश के चिकित्सा अधिकारी एम गौतम, व्यापारी नीरज कुमार, उप समादेष्टा अभिनव तिवारी, उप समादेष्टा राजू राम, सहायक कमांडेंट नरेंद्र, निरीक्षक मुकेश कुमार मीना, निरीक्षक बीके राय, बाबू राय, सहायक उप निरीक्षक गीला राम, गुंडरू सरपंच उलिया, बुदा राम मटामी सरपंच पनावर, रतन हलदल सरपंच PV 101, SK शाह प्रिंसिपल पनावर, लालसू अध्यापक उलिया, आसपास के ग्राम जैसे पनावर, उलिया, नेलटोला के गाँव वासियों ने भी हिस्सा लिया। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।